हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मोम किचन में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मूली का साग। मूली का साग कैसे बनता है चलिए आपको बताती हूँ। खराब पत्तों को निकाल कर अच्छे पत्तों को धुल के खूब अच्छी तरह से इसको कट कर लीजिए। पतीला रख के चलिए हम इसको उबालते हैं। उबालने के लिए रखते हैं, देखिए अपने थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि जले ना और ढक देंगे। देखिए हमारा अच्छे से उबल गया है। अब इसको दबा के अच्छे तरह से पानी निचोड़ लीजिए, पानी निकल जाए। दबा दबा के सारा पानी इसका निकाल लीजिए। कढ़ाई चढ़ा के दाल डालेंगे, बारीक कटी लहसुन, और बारीक कटी हरी मिर्च। देखिए मेरा तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसमें मूली का पत्ता उबला हुआ डाल देंगे और उसको चलाते रहेंगे, अच्छे से भूनेंगे इसको। चला के पूरी तरह भून जाए। मूली का पत्ता पेट के लिए बहुत लाभदायक है इससे। हाँ, इसमें हम नमक ऐड करते हैं, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। मूली का पत्ता बहुत लाभदायक पेट के लिए होता है, पेट साफ करता है और डाइजेशन भी सही करता है। ये देखिए हमारा तैयार हो गया पूरी तरह से। अब आप इसको सर्व कर दीजिए। मूली का पत्ता आप फेंकिए नहीं, अगर आ गया घर में तो इसको बनाकर टेस्ट कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट, और ये बताइए हम अगले वीडियो में क्या बनाएं आपके लिए। थैंक यू।